हेलो फैमिली, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। और आज की जो हमारी टॉपिक गाइज आपको है, ये पीएफ के लिए यूएएन नंबर जो है कैसे पता करें आपका यूएएन नंबर क्या है। इसे जो अगर आपके पास एफ के जो अगर पैसा जो भी पीएफ का पैसा है उसे आप निकालना चाहते हैं गाइज, तो उसे कैसे निकाल सकते हैं। आपको फुल प्रोसेस जो है पूरा ट्यूटोरियल वीडियो इसमें है, मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में गाइज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो जो है आप डालते रहता हूँ। आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके गाइज। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब जो है इसे कैसे अपना यूएएन नंबर कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, कौन सी वेबसाइट पे जाना होता है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं गाइज। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल जो है अपना खुद से दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है थॉट्स ऑफ सोनू, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो है गाइज आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद लिखना है ई पी एफ इंडिया गाइज। जिस तरह से आप जो है सिर्फ सर्च कर देंगे, आप तो ई पी एफ इंडिया सर्च करेंगे गाइज, तो आपको जो है फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन epfindia.com का, तो गवर्नमेंट का वेबसाइट है गाइस, पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपको फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, इस तरह से देखने को मिल जाएगा गाइस। तो अब आपको क्या करना है और किस लिंक पे क्लिक करना है कि आपका जो है यूएएन नंबर आप पता कर सकते हैं, अपना पीएफ की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं गाइस केवाईसी, यहाँ पे आपको KYC अपडेशन रिमेंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, जहाँ पे मेरा कर्सर है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइज आपको दूसरे वेबसाइट पे जो है ये दूसरा विंडो खुल जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास यूएन नंबर है तो वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्टिवेट कर सकते हैं। नो योर यूएन नंबर पे आपको क्लिक कर देना है, जो जहाँ पे मेरा कर्सर है गाइज, तो आपको नो योर यूएन नंबर पे क्लिक कर देना है यूएन नंबर पे। उसके बाद जो है क्लिक करने के बाद जो है गाइज मैं आपको इसमें बता दूँ कि क्या है कि इसके लिए जो है आपको कुछ जैसे कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, या तो फिर आधार, या तो फिर पी एफ, या तो मेम्बर आई डी होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आपके आधार से रजिस्टर्ड है, जो आप कंपनी में आपने वहाँ पर ऐड करवाया था जी, आपको इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कैप्चा दे देना है, अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो बगल में आपको रिफ्रेश का बटन दिखाई देगा, रिफ्रेश पे क्लिक करके जो आपके अपना कैप्चा आपको दूसरा मिल जाएगा। तो मुझे कैप्चा समझ में आ गया है, तो यहाँ से मैं आपको जो है कैप्चा फिल कर देता हूँ उसमें जा करके। तो फाइनली गाइज मैंने कैप्चा फिल कर दिया है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे गाइज तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, तो इसमें कर देना है। तो गाइज ध्यान रहे वहाँ पे आपको दो पासवर्ड देखने को मिलेगा, एक वन टाइम पासवर्ड, एक योर ओटीपी आईडी। तो आपको वन टाइम पासवर्ड जो है इसमें फिल करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइज। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी जो है फिल कर दिया है, आपको फिर से कैप्चा दे देना है। कैप्चा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था गाइज, अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश वाले बटन दे दबा के जो है गाइज आपको यहाँ पर कैप्चा रिफ्रेश कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से जो है कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। देन जो है गाइस यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो ओटीपी वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर देना है। देन जो यहाँ पे अपना नाम दे देना है गाइस, तो यहाँ पे जो है नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, सेलेक्ट एनी वन, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मेम्बर आई डी, जो भी आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन जो है यहाँ पर आपको नीचे में कैप्चा देना है। चलिए मैं फटाफट जो है इसका पूरा प्रोसेस कर लेता हूँ। इसमें कुछ ब्लर दिखाई देगा गाइस, तो यहाँ पर जो है चलिए मेंबर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपने यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए यहाँ पे मैं फटाफट जो है नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपने आधार कार्ड पे वही सेलेक्ट करना है। इसमें पहले बता दिया गया है कि एज पर आधार, जो भी आधार के ऊपर अगर आपने आधार सेलेक्ट करना है तो, या पेन सेलेक्ट करना है तो पेन कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेना है। देन जो यहाँ पे मेंबर आईडी अगर है तो मेंबर आईडी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आधार से करने वाला हूँ और आधार नंबर यहाँ पर जो है मैं फिल कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस
अब यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैप्चा में जो है अपना यहाँ पे कैप्चा देना है, अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आए तो रिफ्रेश कर लेना है। और गाइज मैं बता दूँ कि पूरा फुल वीडियो जो है आपको इसमें समझ में आएगी अगर आप इसे जो है शो माई यू ए एन नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। आप नीचे में आपको शो माई यू ए एन नंबर पर क्लिक कर देना है। शो माई यू ए एन नंबर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइज फाइनली जो है मुझे यू ए एन नंबर देखने को मिल चुका है। मुझे दो यू ए एन नंबर मेरा जो है यहाँ पर दोनों देखने को मिल चुका है। मैं प्राइवेसी के कारण जो है गाइज यहाँ पर इसे ब्लर कर दे रहा हूँ। और गाइज मैं बता दूँ कि अगर तक आगे की अगर वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं इस पर भी वीडियो डालने की अपलोड करने की कोशिश करूँगा गाइज। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइज। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।